मेरे दोस्तों मेरी बहनों मेरी बेटियों घड़ी खुदा बश में आए हुए मेरे अस्सलाम बुजुर्गोला भूटो मेरे दोस्तों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफा भुटो साहब से लेके और मेरी हुकूमत तक और आज सिंध की हकूमत में आवाम की खिदमत की है हमारा मनशूर भी यह है हमारी सोच भी यह है और हमारी आखरत भी यहाँ है हम इसी दुआ में चलते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठा किसी की बहन की खिदमत करते किसी के भाई की खिदमत करते और ये मैं आपसे अर्ज़ करूं पाकिस्तान की आवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें हम अमीर मुल्क हैं मगर माफ़ी है इनके दिमाग की जिसके अकल नहीं है जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है आप गरीबों की नसीब नसीबों को बदल सकते हैं आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स इंसान जात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए जिस तरह भुटो साहब ने भेजा मगर यहाँ वक्त की कमी रहती है सोच की कमी रहती है जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है सोचने के लिए तैयार नहीं है मगर इन तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इन आपके दिन भी बदलेंगे आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल आपकी तकदीर बदलेगा सब गरीबों की तकदीर बदलेगा और मैं आप दोस्तों को यहाँ आने में आकर देख के निहायत तो मुझे खुशी होती है कि मैं अपने वर्करों में खड़ा हूँ मैं गड़ी खुदा बख्श में खड़ा हूँ और जो वादा मैंने पहले दिन किया था बीबी साहिबा से वो आस्ते आस्ते पूरा कर रहा हो आप दुआ करें कि इन अल्लाह हमें मौका दे कि हम वो सब वायदे भोटो साहब के बीबी साहब के पूरे कर सकें आपके आने का बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश जिए भुट्टो